हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल फ्रेंड्स। आज हम बात करने वाले हैं कैपी मैसेंजर एप्लीकेशन के बारे में। कैपी मैसेंजर एप्लीकेशन क्या है, इसका यूज कैसे किया जाता है। जिस तरह से हम फेसबुक के लिए मैसेंजर यूज करते हैं, उसी तरह से इस एप्लीकेशन का हम यूज कर सकते हैं। इस एप्लीकेशन में आप अपने फ्रेंड को ऐड करके उनसे चैटिंग कर सकते हैं, वॉइस चैटिंग कर सकते हैं, ग्रुप चैटिंग कर सकते हैं। इस एप्लीकेशन में आप इंस्टेंट वीडियो, इमेज और वॉइस मैसेज सेंड कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं इस एप्लीकेशन का यूज कैसे किया जाता है। सबसे पहले तो आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे कि मेरे आने वाले सभी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल पाए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम प्ले स्टोर ओपन करेंगे। यहाँ पर आपको सर्च करना है कैपी मैसेंजर। इस एप्लीकेशन का लोगो कुछ इस तरह का है। इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लेना है। उसके बाद हम इस एप्लीकेशन को ओपन करेंगे। आप जैसे ही इस एप्लीकेशन को ओपन कीजिएगा, ये एप्लीकेशन आपसे कुछ परमिशन मांगेगा, उसे अलाउ कर देना है। उसके बाद यहाँ पर स्टार्ट मैसेजिंग में आपको क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर डाल करके यहाँ पर उसे वेरीफाई कर लेना है। तो यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर डालना है। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं यूज फ़ोन कॉल या फिर यूज व्हाट्सएप, आपको दोनों में से एक ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपका जो मोबाइल नंबर है वो वेरीफाई हो जाएगा। उसके बाद ये फिर से आपसे कुछ परमिशन मांगेगा, उसे अलाउ कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पर जेंडर सेलेक्ट करना होगा। आप मेल है तो मेल सेलेक्ट करें, फीमेल है तो फीमेल। उसके बाद आपको डन में क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको इस एप्लीकेशन में कुछ इस तरह का इंटरफेस नज़र आएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कॉन्टैक्ट है, तो यहाँ पर आपके मोबाइल में जितने भी कॉन्टैक्ट होंगे वो आपको यहाँ पर से शो करेगा। आप जा करके उन्हें इन्वाइट कर सकते हैं। यहाँ पर से जा करके आप अपने फ्रेंड को इस एप्लीकेशन के लिए इन्वाइट कर सकते हैं और उसके बाद आप उनसे चैटिंग कर सकते हैं, वॉइस चैटिंग कर सकते हैं। यहाँ पर आप ग्रुप क्रिएट करके उनसे ग्रुप चैटिंग भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको अपने फ्रेंड को इस एप्लीकेशन के लिए इनवाइट करना होगा। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं चैट का ऑप्शन है। आप जो भी चैटिंग कीजिएगा वो आपको यहाँ पर दिखाई देगा। यहाँ पर से आपका जितना भी चैटिंग होगा आप यहाँ पर से जा करके देख सकते हैं। उसके बाद है यहाँ पर प्रोफाइल का ऑप्शन। यहाँ पर आप क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पर से आपका प्रोफाइल नज़र आएगा। यहाँ पर से आप अपना इमेज सेट कर सकते हैं, यहाँ पर यूजर नेम डाल सकते हैं और यहाँ पर से आपको अपना मोबाइल नंबर दिखाई देगा। तो यहाँ पर आप क्लिक करके यहाँ पर से आप चाहे तो इमेज, वीडियो या फिर वॉइस मैसेज यहाँ पर से आप सेंड कर सकते हैं। यहाँ पर आपको कैमरा का ऑप्शन मिलेगा, गैलरी आपका यहाँ पर दिखाई देगा। यहाँ पर से आप वीडियो सेंड कर सकते हैं, ऑडियो सेंड कर सकते हैं। तो इस तरह से आप यहाँ पर मैसेजिंग कर सकते हैं। यहाँ पर आप किसी तरह का मैसेज सेंड करना चाहते हैं तो इस तरह से मैसेज भी आप सेंड कर सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं तीन डॉट बना हुआ है, यहाँ पर आप क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पर से आपका जो भी मैसेज का हिस्ट्री होगा, जो भी आप चैटिंग कीजिएगा उसे आप क्लीन करना चाहते हैं, हटाना चाहते हैं, तो यहाँ पर क्लीन हिस्ट्री में करके आप उसे हटा सकते हैं। उसके बाद जो भी चैट होगा आप उसे डिलीट करना चाहते हैं तो यहाँ पर से आप उसे सिलेक्ट करके डिलीट कर सकते हैं। तो अभी हम इसे बैक कर देंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये वाला ऑप्शन है। ये वाला ऑप्शन से आप अपने फ्रेंड का स्टेटस चेक कर सकते हैं, आपका फ्रेंड अभी क्या कर रहा है आपको यहाँ पर से पता चल जाएगा। उसके बाद इस एप्लीकेशन में आपको एक और ऑप्शन मिलेगा। जैसे यहाँ पर आप अपने फ्रेंड को ऐड करते हैं, जैसे ये वाला आप देख सकते हैं टाइपी सपोर्ट, ये ऐड है। तो हम ये वाला ओपन करेंगे, इस तरह से क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं विजुअल चैटिंग का ऑप्शन आपको यहाँ पर मिलेगा। इस एप्लीकेशन में आप विजुअल चैटिंग कर सकते हैं अपने फ्रेंड के साथ। तो यहाँ पर आपको विजुअल चैटिंग का भी ऑप्शन मिल जाएगा। तो अभी हम इसे बैक कर देंगे। तो इस तरह से यहाँ पर आप देख सकते हैं सर्च का ऑप्शन है। यहाँ पर आप क्लिक करके अपने फ्रेंड को सर्च करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर से उन्हें सर्च भी कर सकते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं प्लस का आइकन है, यहाँ पर आप क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पर से आप अपने फ्रेंड को ऐड करना चाहते हैं, इनवाइट करना चाहते हैं, तो जैसे व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, तो यहाँ पर से जा करके अपने फ्रेंड को इस एप्लीकेशन के लिए आप इनवाइट भी कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं चैट का ऑप्शन है, यहाँ पर आप क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पर से आपको एक सर्कल दिखाई देगा जिसमें पेंसिल का आइकन बना हुआ है। इसमें आप क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पर से आपको न्यू ग्रुप का ऑप्शन मिल जाएगा।
तो यहाँ पर आप नए ग्रुप को ऐड करके उनसे आप चैटिंग कर सकते हैं, वॉइस चैटिंग कर सकते हैं। तो इस तरह से आप इस एप्लीकेशन का यूज कर सकते हैं, अपने फ्रेंड को इनवाइट करके इस एप्लीकेशन में आप उनके साथ वॉइस चैटिंग कर सकते हैं, ग्रुप चैटिंग कर सकते हैं, और आप चाहे तो यहाँ पर वीडियो सेंड कर सकते हैं, इमेज सेंड कर सकते हैं, वॉइस मैसेज सेंड कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।